प्रदेश सरकार छात्रों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गत 4 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा एवं संबंधित गतिविधियों पर 19,208 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र पर 6,204 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने राजकीय महाविद्यालय सोलन के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहे। शांडिल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गत 4.25 वर्षों में 42 नए महाविद्यालय खोले हैं तथा 4 का अधिग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि ये सभी महाविद्यालय प्रदेश के दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं ताकि छात्रों को उनके घर द्वार के समीप उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालय में भवन बनाने के लिए 5-5 करोड़ रुपए भी उपलब्ध करवाए गए हैं। धनीराम शांडिल ने बताया कि गत 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस वित्तीय वर्ष में तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए 220 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मौके पर धनीराम शांडिल ने राजकीय महाविद्यालय सोलन में LED पैनल स्थापित करने के लिए 60,000 रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 5100 रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। ये डिग्री कॉलेज सोलन है, ये तो वैसे ही एक मशहूर कॉलेज है। यहाँ पे 3 जिलों के बच्चे तो आते ही हैं हमारे, शिमला, सोलन और सिरमौर के। इस कॉलेज ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे देखने को दिखा कि मैं तकरीबन 1 साल के अंतराल के बाद आया हूँ। मैडम थ्रीला के सतत प्रयासों से इस कॉलेज में अच्छा हुआ है। मैं कॉलेज को एक बार अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। चाहता हूँ कि उनका अच्छा स्टाफ है जो देश के निर्माण में अच्छा काम कर रहे हैं, नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं, ये अपने काम में अच्छा काम करते रहे। और मैं कोई भी इनकी जो किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट हो, रचनात्मक कोई भी गतिविधि विकास संबंधी, उसके पूरा ध्यान दूंगा।